और नमस्कार प्रणाम यवा के मौसी 115 मिलियन हुआ है, इसमें हम लोगों से ज्यादा योगदान आप सबका है। जनता जो हमारी भगवान स्वरूपी जनता है, आप लोगों ने प्यार नहीं दिया होता तो शायद ये संभव नहीं था कि एक भोजपुरी गाना बहुत कम टाइम में, क्योंकि हिंदी गाने तो हमेशा हो ही जाते हैं क्योंकि हिंदी के फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बट आप लोगों ने साबित कर दिया कि हिंदी से ज़्यादा प्यार आप लोग भोजपुरी भाषा को देते हैं, भोजपुरी सॉन्ग को देते हैं, और आप सबकी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि हम कम टाइम में भी 100 मिलियन 200 मिलियन चीज़ों को पार कर सकते हैं। ये आपकी ताकत है और आप सबकी मोहब्बत और आप सबकी प्यार ही आज एक नॉर्मल भाषा जो कि ज़्यादा खर्चा का भी नहीं है, हम लोगों ने 2 लाख के खर्चे में और इतना बड़ा गाना आप लोगों ने बना दिया, तो हमारा बस छोटा सा योगदान था, हम गाते ही हैं सिर्फ, बट प्यार और मोहब्बत तो आप सबका होता है जो कि इतना बड़ा करता है। मैं पूरी टीम के साथ साथ, ये पूरी टीम आप सबके आशीर्वाद के लिए ललायत है। सब लोग एक बार हाथ उठा दीजिए भाई, आशीर्वाद सब जनता जनार्दन से ले लीजिए, क्योंकि यही है तब हम हैं, क्योंकि हमारी अस्तित्व आप सब हैं, हमारी जीवन आप सब हैं, हमारे लिए मंदिर भी आप हैं, मस्जिद भी आप हैं, गुरुद्वारा भी आप हैं, हर वो मजहब आप हैं, क्योंकि आपके बिना हर वो चीज़ हमारी अधूरी रहती है। और हमारी पूरी टीम है यहाँ जिन लोगों ने बहुत योगदान और मेहनत दिया, ये आकाश है, ये हमारे राइटर साहब जी अखिलेश कश्यप जी, इनको अब कौन नहीं जानता सब आपका आशीर्वाद है, ये मनोज बाबा है और इधर आ जाओ श्याम सुंदर, म्यूजिक बनाया है ये लड़का म्यूजिक बनाया है, तो इसको भी आप लोग प्यार दीजिए, बहुत कम उम्र है और इसी उम्र में इसने इतनी बड़ी क्या बोलते हैं उसको मुकाम हासिल किया ना, हमारे हिंदी बड़े बड़े हैं, भोजपुरी के अलावा कुछ नहीं है, अब जो हमें हमारे का कुछ बताया है अंतरा जी जो इसमें डुएट कर रही है, अंतरा सिंह प्रियंका जी हैं, ये इन्होंने उस गाने में आवाज दिया है, सब लोग के प्रणाम। लहंगा लखनऊ में भी इनका ही आवाज था और लहंगा लखनऊ दोनों में इन्हीं का आवाज था। अब कौन पहले था कौन बाद में था यही बताएंगे अखिलेश जी, बताएंगे पूरा पब्लिक, पहले कौन था बाद में कौन था ये मायने नहीं रखता, बस आपने दोनों को प्यार दिया, दोनों भाइयों को मोहब्बत दी, उसके लिए दिल से थैंक यू आपको कि आपने एक कलाकार का और एक गाने का सम्मान दिया। सब लोग एक हैं, कोई किसी से दूर नहीं है, अगर भोजपुरी समाज जहाँ जुड़ जाती है वहाँ हमारा एक परिवार जुड़ जाता है, बट कोई नहीं, विवादें तो होती रहती है, परिवार में विवाद हो जाता है, तो हम सब तो इतने सारे लोग हैं, पूरी जनता है, और मंदिर में भी कभी कभी कचरा होता है तो हमें साफ करने की ज़रूरत है, उस मंदिर से भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोग कभी कभी गाली भी देते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, नहीं तो एक भैंस चराने वाला आदमी यहाँ तक पहुँचा है तो आपके बदौलत। और जीवन में कोशिश यही करता हूँ मैं कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अब मैं सबकी दिल की बातें तो नहीं गा सकता और ना ही मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप सब मेरे से दूर हैं, मैं अगर बॉम्बे हूं तो आप बिहार हैं, और हमारी कला जो होती है हम पल 2-4-10 आदमी मिलकर सोचते हैं और सुनना बहुत लोगों को होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही प्यार दीजिए। और एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि जो ये चीज़ें आप कभी भी कोई किसी का भी फैन किसी को गाली देता है ये सब मैटर मत किया करिए, और जहाँ तक सवाल मेरा है मुझे कोई गाली देता है एक किस्सा बताता हूँ आप सबको। एक आदमी था वो बेचारा खड़ा रहता था, एक आदमी आता था उसको 10,000 गाली देके चला जाता था, ये 4 दिन दिया 5 दिन दिया, 7वां दिन जब दिया तो 2-4-10 आदमी मिलकर बोले कि अरे यार वो आपको डेली गाली देकर जाता है और आप उसको कुछ नहीं बोलते हो। तो उस इंसान का यही जवाब था कि अगर वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं। इसीलिए मैं कभी कोई मुझे गाली भी देता है तो उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं तो अच्छा कर रहा हूं ना, मैं अगर उसकी माँ को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं उसके बहन को गाली नहीं दे रहा हूं, तो मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, तो जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छाई छोड़कर और मैं उसके पीछे क्यों भागूं। और जब देखिए जीवन में मैं बताता हूं खेसारी ऐसा चीज है जे कहीं भी हो जाता है, आपको भी पता है मैं ही एक ऐसा अनाज हूं जे कहीं छेड़ दीजिएगा मनी बराबर ही दूंगा, तो मैं एक साधारण परिवार से का इंसान हूँ, साधारण परिवार का बेटा हूँ, और आज के जनरेशन में कहीं ना कहीं लोगों को पता है जो खेसारी को और जो ऊपर होता है ना नज़र उसी पे होती है, जिस पेड़ पे फल ज़्यादा होता है पत्थर उसी पे चलते हैं। तो आज मेरे पास फल है और वो फल आपके बदौलत है, उस पेड़ में आप सब ने पानी डाला है
और आपने बड़ा किया है इस पेड़ को और आज ये फल दे रहा है, तो पत्थर किस पे चलेगा? इसी पे चलेगा। तो जब कोई मुझे गाली देकर अपनी बुराई साबित करना चाहता है तो मैं उसका जवाब देकर अपनी अच्छाई को क्यों उसके गड्ढे में लेकर जाऊं? इसीलिए मैं किसी का जवाब नहीं देता। इस ऐसा नहीं कि मुझे जवाब देना नहीं आता, हमके जितना आवेला उतना तो हमारा बुझाते थे, पूरे इंडस्ट्री में क्यों खनावत हुई ये आप लोग भी जानते हैं कि मुझे जवाब देना कितना आता है। कुछ लोगों के दिमाग में है कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल करता हूँ, कि मैं इमोशनल ब्लैकमेल करता हूँ, मैं लाइव आता हूँ, चर्चा करता हूँ कि मैंने ये किया। गुप्तदान महादान, अगर मैं गुप्तदान करूँगा तो शायद मुझे देखकर 10 लोग आगे नहीं आएंगे। मैं बताता इसलिए हूँ ताकि मुझे देखकर 10 लोग आगे आएं, और मुझे किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे बोले कि मैं क्या करता हूँ। और मेरा मैं कमाता हूँ पैसा, आप लोग देते हैं और कमाता हूँ मैं, ठीक है मैं मानता हूँ, बट पैसा किसका होता है? मेरी जनता का होता है। अगर मैं अपने जनता में कुछ पल के लिए अगर कुछ पैसा डोनेट कर देता हूँ तो मेरी अपनी अच्छाई है, और यहाँ तो अपने परिवार के लिए कोई पैसा नहीं देता है तो दुनिया के लिए कहाँ से निकालेगा? उसमें भी लोगों को तकलीफ है कि खेसारी लाल कुछ करता है तो दुनिया को बताता है, क्यों नहीं बताऊं यार? मैं मेहनत करके कमाता हूं तो मैं जब करूंगा, अगर मैं गाड़ी लेता हूं तो दुनिया को बताता हूं, घर लेता हूं तो दुनिया को बताता हूं, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूं और दुनिया को बताता हूं तो क्या? वो लोग बोलते हैं ना कि देखा देखी पुण्य होला देखा देखी पाप, तो मुझे देखकर अगर 10 लोग भी अगर दुनिया का मदद कर लेते हैं तो मेरा जीवन तो सार्थक हो गया ना। बताता इसलिए हूं कि आप भी करिए और कोशिश करिए करने के लिए। बस बाकी क्या बोलूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। शब्द तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि मेरे जितने सपोर्टर हैं उससे थोड़े ही बहुत हैं, दो चार पांच वो हैं जो मेरी टांग खींचते हैं और मुझे गाली गलौज करते हैं, बट कोई नहीं, उनकी माँ मेरी माँ है, उनकी बहन मेरी बहन है। उनको लगता है कि नहीं दूसरे की माँ माँ नहीं होती, तो कोई बात नहीं भाई, वो आपका परिवरिश बोलता है जो आप क्या हो क्या नहीं, और मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं। कोई किसी को भी मैं सफाई देना नहीं चाहता और ना ही मुझे देना है। आप खुश रहो, जीवन में खुश रहो, लेकिन बस यही करना कि आप के वजह से किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अगर आप किसी के पद को बड़ा नहीं कर सकते तो किसी के पद को छोटा भी नहीं करना चाहिए जीवन में बस। और आप लोगों ने साबित कर दिया कि ये जो डॉगी टाइप के लोग हैं ना, ये आते रहेंगे मेरे जीवन में और ये लोग चलते रहेंगे और ये करते रहेंगे, लेकिन मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं। मैं क्या बोला कि जब कोई अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ दूँ? और मैं उसी धारा पे चलता हूँ कि जीवन में मुझे कुछ करके दिखाना है, और मैं छोटी छोटी चीजों पे अगर बातें करने लगूं, लोगों का जवाब देने लगूं, तो शायद मैं उसी में उलझ जाऊंगा और जो मेरे सपने हैं अपने भोजपुरी के लिए, खुद के लिए, अपनी जनता के लिए, शायद उस सपना मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं देता। तो मेरे जो फैन है, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप किसी को गाली गलौज मत करिएगा, चाहे जो भी हो। जो मुझे गाली दे रहा है उसकी भी माँ है, उसकी भी बहन है, आज नहीं तो कल उसको भी लगेगा कि मैंने गलत किया है, क्योंकि सुधारने के लिए किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाने की जरूरत है। क्योंकि नदी के धारा को आप रोक नहीं सकते, और मैं नदी का धारा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं धारा हूं। अगर मैं चलूंगा ना तो कितने लोगों को डुबो दूंगा, ये मेरा अहंकार नहीं, आप सबका प्यार बोल रहा है। क्योंकि आपका प्यार मेरे पीछे है तो हजारों गाली देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली देने वाले अगर 10 हैं तो मुझे लगता है कि प्यार करने वाले 10 करोड़ हैं। तो मैं उन 10 करोड़ के लिए सोचता हूं, उन 10 लोगों के लिए नहीं सोचता जो मुझे गाली देते हैं और जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। खुश रहिए आप भाई, गाली देकर भी अगर आपको खुशी मिलती है तो मुझे इतराज नहीं है, पल भर खुश रहने का आपको। 115 मिलियन का केक काटे हैं और हाँ। बहुत अच्छा है कि एक महीना भी नहीं हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ, 6-7 तारीख है ना, 23 दिन ही हो जाता है, 6 तारीख को छूटा था ना, एक महीना हुआ, 28 का महीना था कि 29 का, हाँ तो फिर एक महीना हुआ 30 से अगर जोड़े हम तो, एक महीने में आप लोगों ने 10 करोड़ 15 लाख 15 करोड़ लोगों ने देख लिया, हाँ 15 करोड़ लोगों ने देख लिया। तो बस मुझे लगता है कि भोजपुरी की आधी आबादी तो उस गाने को देख चुकी है, 30 करोड़ जनता है हमारे बिहार रूपी झारखंड मिला के शायद, तो मुझे लगता है कि आधी आबादी से थोड़ा सा कम लोगों ने तो देख लिया है। तो बस ऐसे ही प्यार दीजिए, और मनोज बाबा की कंपनी के बहुत सारे गाने हैं, उठलाली सरोटी भोर के से लेके और डोली में गोली मार दे, कलम करे चोई चोई, और एक और गाना इनका 334 की कितना भूल गई, वो शायद 300 कुछ भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना, भोजपुरी का, हिंदी नहीं भाई, हम लोग भोजपुरी के लोग हैं, हम भोजपुरी के लोग हैं, भोजपुरी के सम्मान के लिए गाते हैं, और भोजपुरी में कुछ बड़ा होता है
तो वो उसमें खुशी मिलती है। और हिंदी में भी बहुत सारे गाने हैं और डेली रिलीज होते हैं, आप उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए। जो भी कलाकार गाता है सब आपके लिए, आप कहीं ना कहीं आपके वो तो होली का बज रहा है ना, मतलब लोकगीत के बारे में। लोकगीत भी हमारा बहुत जल्दी आप सबको 12-13 तारीख के दिन में बाबा का एक बहुत ब्लास्ट गाना होने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि वो भी एक अलग मूवमेंट लेके आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अखिलेश जी का ही लिखा हुआ गाना है वो, और म्यूजिक भी श्याम आकाश का ही है, श्याम सुंदर का ही है, और आकाश का भी सहयोग रहता है उसमें। तो बस आप लोग प्यार इन बच्चों को देते रहिए और हम सबको आशीर्वाद देते रहिए, ताकि हम आप सबके दिल में और आप सबके दिल की चीजें हमेशा गाते रहे। लव यू ऑल, जय माता। और इधर हमारे सारे भाई लोग हैं, रंजीत जी हैं, विकास जी, भैया चिक्कू भैया, बहुत लोग हैं इधर, मुन्ना जी हैं और सोमनाथ बाबा हैं, सोमनाथ बाबा है, श्याम है, और इधर हमारे सर जो बड़का भैया है बैठे हुए हैं, पन्ना भैया, भैया अजय भैया खिलाए नहीं है तो यही आशीर्वाद सर। और लोकगीत रिकॉर्ड हो सबके, प्रणाम, धन्यवाद।